नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बात कर रहा हूं कैराना, यूपी के कैराना बाई इलेक्शन की। 27 मई को कैराना विधानसभा, कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर सीट पर चुनाव होने हैं। अब इसको लेकर के हर एक पार्टी ने अपनी चुनावी विशाख बिछाना शुरू कर दी है। जहाँ तक सवाल था RLD और सपा का और कांग्रेस का, क्योंकि BJP को ये तीनों पार्टी हर मोर्चे पर घेरना चाहती हैं और BJP हर मोर्चे पर अपने आप को संभालना चाहती है। खैर, जिस तरीके से देखा जा रहा था पिछले दिनों कि RLD के जो प्रमुख हैं चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी कहीं ना कहीं कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतरने वाले थे, लेकिन समझौता ये हुआ कि आने वाले दिनों में अभी सुनने को मिला है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच बात हुई कि एक सीट पर अपने उम्मीदवार को आप उतारिए और एक सीट पर मैं अपने उम्मीदवार को उतारता हूँ, और अब दोनों सीट पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो गया। हालांकि सपा जो है, BSP है, उसने पहले से ही कह रखा है, मायावती ने पहले से ही कह रखा है कि अब जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती का क्या स्टैंड है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कैराना विधानसभा लोकसभा सीट है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। कैराना ऐसी सीट है जहाँ मुसलमानों का बाहुल इलाका है और इस इलाके में मुस्लिम समुदाय की जो पैठ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन 2014 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से और उनके नाम के बदौलत कई ऐसे सुरमाओं की नैया पार हो गई है जिनको शायद बस्ती के एक दो बच्चे भी नहीं जानते होंगे, सच्चाई है इसमें। और अब कैराना विधानसभा लोकसभा सीट जीतना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब BJP की जो कहीं ना कहीं चाहे वो रणनीति हो, चाहे BJP की एक अपना एक तरीका हो कि किस तरीके से चुनाव मैदान में उतरना है, और उस तरीके से कैराना विधानसभा सीट पर कैराना लोकसभा सीट पर ये BJP उतरेगी। लेकिन RLD और प्रत्याशी सांसद तबस्सुम हसन होगी। आपको मैं बता दूं कि कैराना और नूरपुर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई थी अखिलेश और जयंत चौधरी में। SP और राष्ट्रीय लोकदल RLD के बीच समझौता हो गया है और दोनों पार्टियों ने दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों का नाम जाहिर कर दिया है। अब उन उम्मीदवारों के नाम क्या है कि कैराना सीट पर RLD प्रत्याशी पूर्व सांसद तबस्सुम हसन होगी, और वहीं नूरपुर सीट से SP के नईमुल हसन को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। RLD और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर समझौता हो गया है और उपचुनाव की सीट भी बढ़ गए हैं। कैराना लोकसभा उपचुनाव में SP अपना प्रत्याशी उतारेगी और राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में नूरपुर विधानसभा सीट आ सकती है। अखिलेश यादव से मिलने जब जयंत चौधरी उनके घर पहुंचे, तभी इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि इस चुनाव में दोनों के बीच कोई ना कोई समझौता होने जा रहा है। दोनों के बीच बातचीत में उपचुनाव के साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। SP और RLD के अगर खबरों की माने, अगर सूत्रों की बातें वार्ता को सकारात्मक बताया है, और SP का इस सीट के प्रत्याशी उतारने का तर्क है कि 2014 के चुनाव में इस सीट से पार्टी के प्रत्याशी
दूसरे नंबर पर रहे थे। माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में भी बसपा का समर्थन उसके साथ है। हालांकि बसपा की जो 2014 के चुनाव में सीट के पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे, अब ये भी माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में भी बसपा का समर्थन उनके साथ है। तो हालांकि जब ऐलान किया था मायावती ने कि वो बाई इलेक्शन में किस यानी कि उपचुनाव में किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, तो फिर अब उपचुनाव में बसपा का समर्थन होने की बात कहाँ से आ गई है, या फिर मायावती की पार्टी बीएसपी अपने स्टैंड पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखती है। आपको बता दूं कि एसपी आरएलडी के बीच समझौते से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, और क्योंकि कांग्रेस ने आरएलडी के उम्मीदवार को कैराना में समर्थन देने का ऐलान किया था, अब आरएलडी ने कैराना खुद ही एसपी के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए एसपी को समर्थन देने अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या फैसला करती है। तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से नूरपुर और कैराना विधानसभा सीट, हालांकि जहां जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बात नहीं बन रही थी, अब वहीं कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की बात बन चुकी है, और अब ये अपने पैंतरे से बीजेपी को मात दे पाएंगे। हालांकि आरएलडी की बहुत एक जो वो गढ़ है, जयंत चौधरी चाहे उनके पिताजी हों, और उन्होंने अपनी पार्टी को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से एक कहा जाता है कि एक बेस जो है, एक जो कहा जाता है कि जो एक नींव है उसको बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आरएलडी के पास देखने को मिल रही है कि आरएलडी हालांकि देश भर के तमाम कहीं कई ऐसे एरिया होंगे, या यूपी में बहुत ही अच्छी पकड़ बनाई हुई है आरएलडी ने, तो आरएलडी का अगर वो देखें क्षमता क्षमता पूरी यूपी में नहीं फैला हुआ है, क्योंकि यूपी में शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णयात्मक चुनाव देखा जाता है आरएलडी, और इसमें कहीं ना कहीं आरएलडी पूरी बहुमत के साथ भी उभर कर कहीं ना कहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी रणनीति के तहत चाहे वो चुनाव के का नज़रिया हो, उस तरीके से वो खरी नहीं उतर पाती। अब कैराना सीट आरएलडी प्रत्याशी पूर्व सांसद तसम, जहाँ पहले जयंत चौधरी की बात चल रही थी कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन अब कैराना सीट पर आरएलडी प्रत्याशी पूर्व सांसद तसब्बुन हसन होंगे। वहीं नूरपुर सीट से एसपी के नईमुल हसन को चुनाव मैदान में उतारा, हालांकि इन्होंने अपनी अपनी एक एक सीट ले ली है। अब एक एक सीट लेने के मायने आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच जहां गठबंधन की बात नहीं, क्योंकि एसपी यानी कि अखिलेश यादव चाहते थे कि वो सपा का प्रत्याशी उतारेंगे, चाहे भले ही जयंत चौधरी आरएलडी पार्टी अगर इस चीज़ की अनुमति नहीं देती थी तो हो सकता था गठबंधन भी टूट जाता, और गठबंधन टूटने में कोई हर्ज नहीं है वो, और इसकी कोई उन अखिलेश यादव को इसका कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी के अंदर एसपी इतनी हद तक मजबूत है कि वो अपना प्रत्याशी निकाल सकती है, और इसीलिए आरएलडी को ही झुकना पड़ेगा, आरएलडी को ही कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और वही हुआ कि आरएलडी ने कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्रोमाइज किया है। तो बात वही है कि आने वाले दिनों में कैराना लोकसभा सीट पे आखिर किसका झंडा फहराएगा, कमल फेरेगा या फिर नल का बहुल इलाका हो जाएगा, या फिर साइकिल पर सवार होकर वहाँ के लोग घूमेंगे, या फिर हाथी। हालांकि चुनाव में ये कहा जा रहा है कि बसपा हो सकता है कि इन दोनों पार्टियों को समर्थन दे, लेकिन समर्थन गोरखपुर सीट पर और फूलपुर सीट पर भी दिया गया था मायावती के द्वारा, लेकिन मिला क्या मायावती को, कुछ भी नहीं हाथ लगा।
हालांकि इस चीज़ का बहुत दर्द है उनके अंदर कि ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं वो सही नहीं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैराना की सियासत किस तरीके से निकल कर देश के सामने आती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।